वेलकम बैक गाइस। तो यार आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग्स को पास कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली स्ट्रिंग्स को नहीं, हम बाइट्स को पास करेंगे। तो बाइट्स को हम किसी इमेज को भी बाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो और भी हम किसी डेटा को बाइट्स के अंदर तोड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर बाइट्स को पास करेंगे, ओके। और मतलब एक से सेंड करेंगे, दूसरे में रिसीव करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सर्वर एंड क्लाइंट। तो सर्वर से हम सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। फिलहाल सर्वर हमारा एक होगा, क्लाइंट हम कितने भी बना सकते हैं, राइट। ये तो आपको पता ही है सर्वर और क्लाइंट क्या होता है, ओके। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे ऐसा करने के लिए, हम एक्चुअली यूज़ करेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये जावा में भी आपने अगर पढ़ी हो, फिलहाल हम पाइथन में जो जावा से काफ़ी सिंपल है सॉकेट प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग्स को पास कर सकते हैं, तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर भी स्ट्रिंग्स को पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में, या लैपटॉप से मोबाइल फ़ोन में, राइट। तो आई थिंक मुझे ये भी बताना चाहिए कि कैसे एक मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम दो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर को डेटा को सेंड करेंगे, ओके। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ सॉकेट, ठीक है। तो ये प्री इंस्टॉल्ड आती है, आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, तो आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सेकेंड थिंग, हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सॉकेट डॉट सॉकेट, ओके। इसके अंदर हम पास करेंगे, पहला हमारा जो है वो है सॉकेट डॉट AF INET। ये हमारा है IPv4 के लिए, ठीक है। अगर आपको IPv6 यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे INET 6 यूज़ कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और सेकेंड हम यूज़ करेंगे TCP। तो TCP के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सॉकेट डॉट सॉक स्ट्रीम, यस, हियर वी हैव इट, ओके। तो ये हमारा है IPv4 के लिए, ठीक है। और ये हमारा है TCP कनेक्शन के लिए, ओके। नाउ एक्चुअली मुझे इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है अभी, कि TCP कनेक्शन कहाँ यूज़ होते हैं। मैंने नेटवर्किंग में पढ़ा है, BCA में, फिर MCA में थोड़ा पढ़ा है, लेकिन याद नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन जा करके आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी आपकी जो होती हैं प्रोटोकॉल्स फैमिली वगैरह होती हैं, ठीक है। और क्यों इसका नाम AF INET ही है, क्यों उसका नाम डायरेक्टली हम IPv4 वगैरह क्यों नहीं रखा गया, ओके। आई डोंट नो एक्चुअली। तो अगर आपको किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, ओके। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब हमें यहाँ पे अपने कनेक्शन को बाइंड करना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे s.bind। बाइंड का मतलब क्या है कि हम एक होस्ट नेम देंगे, कि जहाँ पे हमारे सर्वर का जो होस्ट नेम है, ठीक है, जहाँ पे आके क्लाइंट कनेक्ट होंगे, और एक पोर्ट नंबर देंगे जिसके थ्रू क्लाइंट कनेक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक एप्लीकेशन का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। जैसे कि अगर आप बात करें आपके मोबाइल फ़ोन और ब्लूटूथ स्पीकर, ठीक है, तो ब्लूटूथ स्पीकर का एक पर्टिकुलर पोर्ट होता है जिसके थ्रू हमारा मोबाइल एप्लीकेशन उससे कम्युनिकेट करता है, ओके। तो फिलहाल हमारे ऑलरेडी सिस्टम में बहुत सारे पोर्ट्स ओपन होते हैं, तो हमें क्या करना है कि ऐसा एक पोर्ट नंबर चूज़ करना है जो ऑलरेडी हमारा यूज़ में ना हो, ठीक है। अगर ऐसा है कि वो पोर्ट नंबर ऑलरेडी यूज़ में है, तो हमारी एरर आ जाएगी, ओके। तो फिलहाल हम पहले तो पास करेंगे यहाँ पे होस्ट नेम। तो हमें एक टपल पास करनी है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि आप डायरेक्टली कॉमा लगा के कुछ भी नहीं लिखेंगे, हमें पहले एक टपल लेनी है, ठीक है। टपल के अंदर आपको होस्ट नेम और पोर्ट नंबर लिखना है। तो हम एक काम करते हैं, एक अलग लाइन में लिख लेते हैं होस्ट और पोर्ट नेम, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे होस्ट दे दिया, नीचे हमने यहाँ पे पोर्ट दे दिया, ओके। तो होस्ट मैं अभी दे देता हूँ लोकल होस्ट, क्योंकि हमारे दोनों प्रोग्राम जो हैं वो लोकल होस्ट पे हैं। तो हियर वी हैव इट, लोकल होस्ट, ओके। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 127.0.0.1, राइट। तो ये भी हमारा सेम ही है, या आप इसकी जगह पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सॉकेट डॉट गेट होस्ट नेम, ठीक है ना। पोर्ट, पोर्ट आपको ऐसा एक नंबर चूज़ करना है जो हमारा ऑलरेडी यूज़ में ना हो, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ 1255, ओके। अब इसके अंदर हम होस्ट और पोर्ट को पास करेंगे, तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ होस्ट देन पोर्ट, ठीक है। तो यार इतना हमें करना था हमारे सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा सर्वर इस होस्ट पे और इस पोर्ट नंबर पे स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें बनाने हैं क्लाइंट। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमें ये डिफाइन करना होगा कि कितने क्लाइंट्स मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सर्वर एक होगा लेकिन क्लाइंट कई हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि s.listen, मैंने यहाँ पे 5 पास किया। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम हम 5 क्लाइंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा 6 क्लाइंट आता है सेम टाइम पे, जो हमारे ऑलरेडी 5 कनेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा ड्रॉप हो जाएगा, ओके। इसके बाद में हम करेंगे s.accept, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, ये क्लाइंट से कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और हमको क्या रिटर्न करेगा ये मेथड, जो हमारा एक्सेप्ट मेथड है,
ये रिटर्न करेगा एक तो सॉकेट क्लाइंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो क्लाइंट का हमारा सॉकेट ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास में आ जाएगा। दूसरा हमारा रिटर्न करेगा एड्रेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों को रिसीव कर लिया। एड्रेस हमारा होगा आईपी एड्रेस उस सिस्टम का जहाँ से हमारा क्लाइंट है, जिस सिस्टम हमारा क्लाइंट है, ठीक है। तो सॉकेट क्लाइंट फिलहाल हम इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, अगर हमें कोई क्लाइंट को मैसेज सेंड करना है या फिर क्लाइंट से मैसेज रिसीव करना है, ठीक है, तो उसका यूज़ करेंगे हम सॉकेट क्लाइंट के थ्रू, सिंपल है ना। उसके बाद में हम, मैं जस्ट यहाँ पे अभी खाली प्रिंट कर देता हूँ ये दिखाने के लिए कि हाँ हमारा जो प्रोग्राम है वो चल रहा है प्रॉपरली, हम क्लाइंट से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया कॉट कनेक्शन फ्रॉम, जहाँ से हमें कनेक्शन मिलेगा उस एड्रेस को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँगा। ओके, तो फिलहाल मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ, सेव किया एंड देन क्लाइंट पे आए, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा इम्पोर्ट अगेन सॉकेट, ओके। नीचे हमारी सेकेंड लाइन भी सेम होगी तो मैं इसे यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इतना करने के बाद में वहाँ हमने बाइंड किया था, यहाँ पे हम सर्वर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एस डॉट कनेक्ट लिखूँगा, इसके अंदर हम फिर से पास करेंगे सर्वर का नेम और उसका पोर्ट नंबर, ठीक है, सर्वर का मतलब एड्रेस जो भी है और उसका पोर्ट नंबर। तो सर्वर का एड्रेस हमारा क्या है, लोकल होस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ होस्ट इक्वल टू हमारा है भाई सॉकेट डॉट गेट होस्ट नेम, ठीक है, और पोर्ट हमारा था 1255 आई थिंक। ओके, यस 1255 हमारा है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे होस्ट और पोर्ट को पास कर दूंगा किसके अंदर, एक टपल के अंदर, राइट। तो मैंने यहाँ पे होस्ट लिख दिया और पोर्ट लिख दिया, क्या हमने इधर भी टपल के अंदर ही पास किया था, यस, ठीक है। तो ये अब हमारा कनेक्ट हो जाएगा, जैसे हमारे कनेक्ट होगा तो इस एक्सेप्ट के पास में एक क्लाइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा एड्रेस, ठीक है, जो हमारा क्लाइंट का एड्रेस है वो इसके पास में पहुंच जाएगा। ओके, सिंपल है अभी तक, ठीक है। इतना करने के बाद में चलो पहले इतने को रन करके देख लेते हैं, ठीक है, एक्चुअली चल रहा है चल रहा है। तो मैं प्रॉपर इसका आउटपुट दिखाने के लिए काम करता हूँ, इन दोनों को आज टर्मिनल में ओपन कर लेते हैं। हियर वी हैव यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ओके, ओपन इन टर्मिनल Python 3, ठीक है। पहले सर्वर को ऑन करेंगे हम, सर्वर डॉट पाई, ओके, सर्वर हमारा ऑन हो गया, मैं इसे एक साइड में कर लेता हूँ। ओके, देन वी विल ओपन द क्लाइंट वन, ठीक है। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारा सर्वर है वो भी आ जाए। ओके, हियर वी हैव क्लाइंट, हियर वी हैव सर्वर, ओके। तो क्लाइंट में हम जाके लिखेंगे Python 3 client.py, ठीक है, एंटर किया। तो यार देखो यहाँ पे हमारा मैसेज पहुँच गया, गॉट कनेक्शन फ्रॉम 1277, ही हमारा आईपी एड्रेस आ गया। और ये पता नहीं क्या आता है, मुझे कभी समझ में नहीं आया एक्चुअली, ठीक है। अब मैंने इसके लिए एक्चुअली सर्च भी नहीं किया, मुझे फिर से देख के से ध्यान आया कि भाई इसके बारे में भी देखना था कि क्या है। ओके, तो इतना कर लिया हमने, यानी हमारा जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो मैं वापस अपने प्रोग्राम के ऊपर आ जाता हूँ। तो फिलहाल हमें क्या करना है कि सर्वर से एक स्ट्रिंग को सेंड करना है क्लाइंट के अंदर, या फिर हम कहेंगे क्लाइंट से हम एक स्ट्रिंग को सेंड करना है सर्वर के अंदर, ठीक है। कोई बड़ी टास्क नहीं है, हम ये जस्ट यहाँ पर लिखेंगे कि भाई एस डॉट सेंड, ठीक है। यहाँ पे हम अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं मैसेज के लिए अलग से ऊपर एक वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप किया मैसेज, हेलो दिस इज क्लाइंट 1, ओके। नीचे यहाँ पे इस मैसेज को हमें सेंड करना है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम बाइट्स की फॉर्म में सेंड करेंगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं बाइट्स, ओके। बाइट्स के अंदर हम पास करेंगे जस्ट मैसेज, ठीक है, और इसको UTF-8 के अंदर कन्वर्ट करना होगा हमारे लिए। और दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख दें मैसेज डॉट एनकोड, ठीक है, और एनकोड के अंदर हम लिख दें UTF-8, ओके। तो फिलहाल हमारे मैसेज इनकोड हो जाएगा बाइट्स के अंदर। तो यार जिनको ये नहीं पता है कि UTF क्या होता है, तो यार ये एक यूनिकोड स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो जितने भी अगर हमारे कैरेक्टर है वो यूनिकोड स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है तो वो उसे हम इनकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे स्ट्रिंग के जो मोस्टली वर्ड्स हैं, हमारे जो कीवर्ड के अंदर मोस्टली लेटर्स हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे हमारे UTF-8 के अंदर आते हैं, ओके। तो फिलहाल हमें क्या करना है कि इसे इनकोड कर दिया हमने और यहाँ से सेंड कर दिया, उसके बाद में हमें सर्वर के अंदर रिसीव भी करना है, ठीक है। एक काम हमें और करना है कि हम एस डॉट क्लोज, यानी हमारा जो कनेक्शन है उसे क्लोज भी कर दिया करेंगे हर उसके बाद में, ठीक है। तो अब मैंने इसे रन किया, क्लोज हो गया यहाँ पे सर्वर, ठीक है, सब कुछ एकदम ठीक है। अब यहाँ पे हमें रिसीव करना है मैसेज को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था
कि भाई रिसीव करने के लिए हम इस सॉकेट क्लाइंट का ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो हम लेकिन यहाँ पे लिखेंगे सॉकेट क्लाइंट डॉट रिसीव, ठीक है? यहाँ मैं टाइप टाइप कर दूंगा 1024। ओके, तो आई थिंक ये हमारा हुआ कि कितने बाइट्स हमें रिसीव करने हैं, ठीक है? हमारा बफर साइज़ क्या है, यानी मैक्सिमम कितना हमें रिसीव करना है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो हमारे मैक्सिमम 2 ही कैरेक्टर्स यहाँ पे आएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 1024 दे देता हूँ, यानी लगभग 1 KB आई थिंक। ओके, रिसीव करके मैं से एक मैसेज के अंदर डाल देता हूँ, मैसेज इक्वल टू, देन हम मैसेज को एनकोड करेंगे। तो मैंने फिर से मैसेज इक्वल टू मैसेज डॉट एनकोड लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कौन से फॉर्मेट है हमारे पास में, हमारे पास में यूनिकोड 8, ठीक है, UTF-8। ओके, तो आई थिंक सब कुछ हमारा एकदम नॉर्मल यहाँ यहाँ तक। उसके बाद हम मैसेज को प्रिंट कर देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, एकदम सब कुछ हमें करना है, तो अब चलो देख लेते हैं करके। तो ये रहा हमारा, ठीक है, सर्वर, और ये रहा हमारा क्लाइंट। मैं सर्वर को यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं यहाँ क्लाइंट को रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि बाइट्स ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एंड कोड। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ ठीक ही तो किया है यार, कुछ भी गलत नहीं किया है। फिटे मुतरे यार, क्या हुआ है कि क्लाइंट से हमने एनकोड किया, सर्वर पे हमें डिकोड करना था यार, मैसेज वहाँ से आया है, हम सेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। पता नहीं कौन कर देता अपने आप ये, मैंने तो नहीं किया, ठीक है। वापस हम अपने टर्मिनल्स पे आते हैं। ओके, फिर से मैंने इसे रन किया, और फिर से मैंने इसे रन किया। ओके, तो हमारा ये क्लाइंट रन हो गया, यहाँ से एक स्ट्रिंग जो हमने पास करी थी वो यहाँ पे पहुँच गई और प्रिंट भी हो गई, हेलो दिस इज़ क्लाइंट 1। अमेजिंग, राइट? तो अगर ऐसे हमारे पास में 2-3 क्लाइंट हो, ठीक है, तो हमारे पास में वो भी चल जाएगा। फिलहाल ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा सर्वर बंद हो गया है। ओके, ठीक है। तो ऐसे में एक स्ट्रिंग को क्लाइंट से पास कर सकते हैं सर्वर की तरफ, ऐसे सेम टू सेम हम सर्वर से क्लाइंट को भी दे सकते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप बार बार एक स्ट्रिंग सेंड करना चाहते हैं, तो आप लूप यूज़ कर सकते हैं सिंपल तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि भाई मेरे पास में कौन है, ठीक है, कनेक्शन, मतलब कौन कौन सा कनेक्शन, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ट्रू। तो वाइल यहाँ पे हम डाल देंगे कौन, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कि वाइल कौन, ठीक है, जब तक हमारा कौन है, यानी जब तक हमारा कौन ट्रू है तब तक मैसेज वहाँ से रिसीव करते रहो और उसे प्रिंट करते रहो, ठीक है। और इतना करने के बाद में अगर हमारा जो मैसेज है वो हमारा इक्वल है क्विट के, ठीक है, तो हमारा जो कनेक्शन है उसे क्लोज कर दो। तो कनेक्शन हमारा किसके अंदर था, एस के अंदर, तो एस डॉट क्लोज, सिंपल। सेम ऐसा हम उधर भी कर देंगे क्लाइंट के पास भी। तो मैं यहाँ पे एक लूप ले ले रहा हूँ, कॉन इक्वल टू ट्रू वाइल कॉन। तो मैसेज फिलहाल हम इनपुट लेंगे अभी, ओके। तो हम इस मैसेज को यूज़र से इनपुट ही ले लेते हैं कि भाई इसे क्या सेंड करना है, क्योंकि हर बार अगर बार बार मैसेज सेंड करेंगे हेलो दिस इज़ क्लाइंट वन, दिस इज़ क्लाइंट वन, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, अच्छा ही भी नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ फिलहाल इनपुट ले ले रहा हूँ, इसके अंदर हम लिख देंगे एंटर मैसेज, ठीक है। तो जो भी हमारा मैसेज आ जाएगा वो हमारे मैसेज के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे सेंड हो जाएगा। इन द केस अगर हमारा जो मैसेज है, इफ़ मैसेज इक्वल टू क्विट, तब हम इस कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। ओके, सिंपल। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बात और कि जैसे हम क्विट करेंगे तो हमारा जो कनेक्शन है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हमारा लूप हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे जैसे हमारा क्विट मैसेज आता है तो हमारा कनेक्शन फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि दोबारा हमारा ये लूप रन ना हो। ओके, सेम हम करेंगे इधर, जैसे हम क्विट करेंगे वैसे हमारा जो कौन है उसके अंदर डाल देंगे फॉल्स, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद में मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, पहले तो सर्वर रन हो गया बिना किसी दिक्कत के, फिर रन कर रहे हैं क्लाइंट। ओके, यहाँ पर लिखा गया एंटर मैसेज हेलो देयर, ठीक है, यहाँ प्रिंट हो गया हेलो देयर। मैंने कहा हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। सेम हमने वही मैसेज यहाँ से सेंड किया, वही मैसेज हम इधर सेंड कर रहे हैं। ओके,
सो गाइज आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.